अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, आज वीडियो बहुत ही लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो देर से बनाई। लेकिन आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करूँगा। वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मस्जिद अल हरम में, मस्जिद अल नबी में और सऊदी अरब की तमाम मस्जिदों में आज पहली बार 2 साल के बाद बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जुमे की नमाज अदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है खुशी हुई। और आपने जो है अगर मस्जिद अल हरम में या मस्जिद अल नबी में जुमा अदा किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी फीलिंग थी और कैसा आपको लगा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी जितनी भी पाबंदियाँ लगा रखी थी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से, धीरे धीरे जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और अच्छी खबर आई है और एक और पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे थे उनको मस्जिद अल हरम में, मस्जिद अल नबी में जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से जानकारी आई है, अब 5 साल से कम की उम्र के बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ वो मस्जिद अल हरम में, मस्जिद अल नबी में जो है जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक पाबंदी लगी हुई थी, बची हुई थी, इसको भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी हुकूमत ने मक्का मुकर्रमा में 8,000 गैर मुल्की बर्मा के लोगों को फ्री में एकामे बना करके दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट अभी सऊदी अरब के अंदर टूरिस्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इसी के तहत अल उला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून शो किया गया है और इसके अंदर 142 हॉट एयर बैलून को उड़ाया गया है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा दिया गया है। यानी कि ये तो अभी शुरुआत है सऊदी अरब के अंदर, आगे आगे जो है आप देखिए क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। जैसे न्यूम सिटी हो गई या अल उला में भी जो है बहुत ज़्यादा अभी काम चल रहा है, यानी टूरिस्ट को जो है वो यहाँ पर बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर ताकि इकोनॉमी जो है यहाँ पर बूस्ट की जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो आज सऊदी अरब के अंदर 178 नए मरीज निकले हैं, 375 लोग इस बीमारी से सेहत हुए हैं, एक मौत हुई है, 330 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। कुछ जरूरी जानकारी आई थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।